आज का टॉपिक है हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल 1911 में आया था। इसने अपने पोस्टुलेट से कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इसका मॉडल क्या था? इसने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन सर्कुलर पाथ्स को हमने क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स। इस मॉडल को कंपेयर किया गया सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में सन के अराउंड क्या करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एटम्स हैं और जो सोलर सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो एटम हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे छोटे। और जो आपके सन हैं और जो प्लैनेट्स हैं, दीज आर बिग बॉडीज। बिग बॉडीज का मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। एटम्स इतने छोटे हैं कि हम इन पर न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, और सन और जो प्लैनेट्स हैं उन पर न्यूटन लॉ अप्लाई होता है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो सन है और जो प्लैनेट्स हैं, दीज आर नॉट चार्ज्ड। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उन पे क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए हम हमारे रदरफोर्ड मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर नहीं कर सकते। अब क्या दिक्कत हुई, क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेनली? ठीक है, तो इसके बारे में बताया हमको जो आपकी थ्योरी थी मैक्सवेल की। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा जिसमें वो चक्कर लगा रहा है। अब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो अब वो अंदर वाले ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, उसका ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो क्या लूज कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एनर्जी लूज कर रहा है। और लास्ट में जब उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो लास्ट में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए तो एटम ख़त्म हो जाएगा, और अगर एटम ख़त्म हो गया तो मैटर नहीं रहेगा, और मैटर अगर नहीं रहेगा तो इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। तो अब तो या तो फिर जो रदरफोर्ड मॉडल वो गलत है, या फिर जो आपकी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये गलत है। लेकिन जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो बहुत पहले आई थी रदरफोर्ड मॉडल से, जो कि कई एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रदरफोर्ड मॉडल है इसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो पहली लिमिटेशन तो इसकी यही है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, दूसरी जो लिमिटेशन ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। हमने कल लाइन स्पेक्ट्रा करे थे। लाइन स्पेक्ट्रा जैसे सोडियम के केस में दो लाइंस बन रही थी, एक तो 5890 एंगस्ट्रम की, एक 5896 एंगस्ट्रम की, ये हमने कल किया था। डिफरेंट एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। पोटेशियम के केस में वायलेट लाइट का लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, जो आपके एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होंगी
उसमें जो ट्यूब्स होती हैं जो अलग अलग कलर्स की होती हैं, उसमें अलग अलग तरह की गैसें भरी जाती हैं जो कि गर्म करने पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट देती है, ठीक है। उसको अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पर डालें तो वो लाइन स्पेक्ट्रा देती है, ओके। तो ये आपका रदरफोर्ड मॉडल लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तीसरा जो इसकी लिमिटेशन है वो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट शेल्स, डिफरेंट सब शेल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो उनकी एनर्जी है, उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो कि किसने एक्सप्लेन करा? बोर्स थ्योरी ने, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बोर्स थ्योरी।